गुलरिया पुलिस ने पुलिस बल पर पथराव व फायरिंग करने वाले दो गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरैया बाजार चौराहे से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 मोबाइल, 555 रुपए नगद, 1 महिंद्रा पिकअप बरामद किया गया है, जिनकी पहचान असलम पुत्र अहमद शाह निवासी काजीपुर टोला सुकरौली थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर, दूसरा मुन्नू पुत्र पन्नेलाल निवासी छोटी रेटवैया जंगल धूसर थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि कांस्टेबल देवीशंकर यादव 3 जनवरी को पीआरवी से रात 12:30 बजे सब कमांडर महिला कांस्टेबल चंद्रकला कन्नौजिया एवं महिला कांस्टेबल वंदना और चालक राधेश्याम तिवारी के साथ रात्रि ड्यूटी में थे कि एक पिकअप की गाड़ी आकर रुकी तथा गाड़ी संदिग्ध होने पर पुलिस द्वारा हूटर सायरन का प्रयोग करते हुए गाड़ी से उतरकर पिकअप के पास जाकर चेक करने का प्रयास किया गया कि अचानक उक्त पिकअप गाड़ी से 3-4 की संख्या में व्यक्ति उतरे और जान माल की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से पथराव करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिस पर पुलिस वाले अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए गाड़ी से दूर हट गए तथा अज्ञात बदमाशों द्वारा गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी में रखा 2 मोबाइल, 600 रुपए नगद, कार के डैशबोर्ड से लूटकर गाली गलौज कर देते हुए पिकअप लेकर भाग गए। पथराव के कारण गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हमारा एक लंबा गिरोह है तथा हम लोग कई टुकड़ों में बंटकर अपने साथियों को बदलकर पिकअप गाड़ी से जाकर छुट्टा जानवर को लादकर बिहार ले जाकर माधोपुर जाकर इकट्ठा करते हैं तथा उसके बाद ट्रक में लादकर पश्चिम बंगाल ले जाते हैं। इस घटनाक्रम में हम लोगों के रिश्तेदार दोस्त जमींदार शामिल हैं तथा जानवरों को बेचने के बाद जो धन प्राप्त होता है उसको हम लोग खर्च करने के बाद जो बचता है उसको आपस में बांट लेते हैं तथा अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा थाने में पंजीकृत हुआ था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा बाकी अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा तथा गिरफ्तार करने वाली टीम को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, दीनबंधु प्रसाद हेड कांस्टेबल, अनिल कुमार कांस्टेबल, दया शंकर यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार तथा एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, तो मिस्त्री को बुला कर लेके उड़वा रहे थे तो उन्हीं को साथ में हम भी आए वहाँ से। 300-400 रुपए का काम है। तुम लोगों का क्या काम है? टायर को खोलना कसना, यही काम था। टायर को खोलना, डेली टायर खुल जाता है क्या? नहीं, आज पहली दफा हम लोग आए सर। पहली बार? अच्छा, जब पुलिस पीछा करते थे ना, उड़ गया टायर, निकल गया तब तुम नीटा पत्थर चला था। हम सर उस पे नहीं है, हमको वकील साहब फोन किए हैं, हम भट्टा चौराहे पे लोग चरपैया से आए मारुति से कि बाबू यहाँ खजानती चौराहे पे फेंक दो, भेज दो हम लोगों का वहीं पर, हम वहाँ से तुम चले जाना घर। हम मम्मी से बात करें वहाँ पर से आगे ले करें, तो मम्मी बात कर लो, वकील साहब बुला रहे हैं कि आदमी है कुछ उनका दोस्त है, मतलब जा रहे हैं छोड़ के हम चले आएंगे। वकील साहब कौन है? अभी नाम नहीं पता है, ये सब कुछ है सर। तुम लोग चलाते थे? सर हम गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे जाने का हम नहीं, गाड़ी कौन बुलाता कौन था तुम लोग? यही जानता है ना, हम नहीं जानते सर। कौन वकील साहब? फरार हो जेल से, फरार हो, बताओ ना वही चीज बताओ। वो है, एक ही बार हुआ है हमारे जेल की बार। कैसे अंजाम देते थे सब इस तरह? हमें वाला नहीं करते सर, पहले 6 महीने बात करे थे तो 3 मुकदमा है हमारे ऊपर, 2 साजनवा से, 1 से 1 वहाँ से चौरी चौरा से। कहाँ ले जाते थे? यही जाने का। 6 महीना पहले कहाँ ले जाते थे? हम ले जाते नहीं थे सर, हम लगवाते थे, खरीद खरीद और ही खरीद के लगवाते थे। हम लोग मिस्त्री काम करते हैं ऊपर भी। भैया क्या करता था? ये सब गाड़ी पे आते थे, ये सब हमें जानते थे। हमारा इसमें कोई दिक्कत, गाड़ी पे हमारी। कौन कौन लोग हैं, कौन बुलाते थे गाड़ी कसने के लिए, खोलने के लिए? जो गाड़ी मालिक है ना। क्या नाम है? क्या नाम? मिंटू नाम है। मिंटू नाम है। सरगना कौन है? तो वकील साहब का नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? सर हमारा मुकदमा वही देख रहे हैं, मुकदमा और मम्मी वाला भी, प्रधान वाला मैटर हुआ जमीन। तो वकील साहब ये बोले कि तुम गाड़ी लेके जाओ, वकील काम दिलवाए तुमको ये? नहीं, वकील सब समझौता ही सब के मतलब छूट गया है गाड़ी तुमसे। घर थे हम, फोन किए थे चरपैया से लोग आए वहाँ पर चौराहे के पहले। तुमको इन लोगों के बारे में पता नहीं था? नहीं, उसके बारे में। हमें उसमें है नहीं सर, यही है इसी जाने का। क्या मुकिल साहब से बस इन लोग छोड़ के चप्पे पूछे मनुष्य से आए थे बेटा चौराहे बेटा पूछ लीजिए सर।
कई गिरोह पकड़ा गया है, इन्होंने कई घटनाएं कारित की हैं। अभी 3/1/2022 को एक घटना हुई थी जिसमें PRV 331 पे हुआ था, उसमें मुकदमा अपराध संख्या 2/22 धारा 22, 307, 392, 504, 506, 427 वगैरह लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त इससे पहले भी दो घटनाएं हुई, एक 31/10 की घटना शाहपुर की है, मुकदमा अपराध संख्या 463/21 और कैंट की भी घटना है। तो इन सबको पकड़ा गया है, ये असलम है और मन्नू, ये दो लोग पकड़े गए हैं और इनका एक काफ़ी बड़ा गिरोह है। ये लोग यहाँ से बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल तक लेके जाते हैं और इनको सरैया बाजार चौराहा से पकड़ा गया है 4/1/2022 को 1:50। देखिए इसमें अभी हमने दो लोग पकड़े हैं, असलम और मन्नू है। मन्नू का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये बड़ा गिरोह है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है, बाकी लिंक निकाले जा रहे हैं, सर्वेलेंस वगैरह लगी हुई है इसमें, टीम इनके बी पार्टीज वगैरह निकाली जाएंगी, देखा जाएगा। और किस तरह बिल्कुल ये लोग हमला करते हैं, इनके पास हथियार भी होते हैं और SP नॉर्थ सर बताएंगे, बाकी हम बता रहे हैं। ये पत्थर और बोतल अपनी गाड़ी में रखे चलते हैं और तमंचे भी रहते हैं इनके पास, फायरिंग भी करते हैं, विशेषकर अगर कोई पुलिस वाला रोकने कोशिश करता है तो उस पर तुरंत हमला करते हैं। तो इनका मिंटू नाम का एक व्यक्ति है जो इसका, जो पकड़ा गया है मन्नू, इसका भाई है, वो इसका सरगना है और इनके रिश्तेदार, जमींदार और काफ़ी 10-12 लोग और हैं जो उन्होंने नाम बताए हैं, वो सभी इनके गिरोह में हैं और छोटे छोटे टुकड़े बना के छोटे छोटे टुकड़ों में ये वारदात को अंजाम देते हैं। जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ से जानवर उठा के और निकल देते हैं। इनमें से कुछ लोग कुशीनगर के हैं, कुछ पिपराइच के हैं और ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। बिहार में माधवपुर ले जाते हैं, माधवपुर से पश्चिम बंगाल ले जाते हैं। अब वो जहाँ मौके से उनको जहाँ मिल जाता है वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं, ईंट पत्थर बोतल सारी चीज़ें। अब ईंट वहाँ से खरीदते तो नहीं है ये तो निश्चित है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से उठाते हैं, चोरी से ही उठाते हैं। पास से 3 मोबाइल, नकदी 555 रुपये और 1 पिकअप महिंद्रा बरामद की गई है और पूछताछ भी करी जा रही है। इसमें जो भी आगे लिंक निकलेगा, जैसे बताया गया ये गिरोह है, तो जो भी लिंक निकलेगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे, टीम इस पर कार्य कर रही है। देखिए ये अच्छा कार्य किया गया है, इसलिए इसमें जो बिल्कुल रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा दो लोगों का, अनिल कुमार है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दयाशंकर पटेल, इन लोगों को कप्तान साहब की तरफ से इस कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। धारा मैंने आपको शुरू में ही बताई थी और अलग अलग मुकदमे हैं, जैसे शाहपुर में 31/10/2021 को घटना हुई थी, उसका मुकदमा अपराध संख्या है 463/21 धारा 504, 506, 336, 427, 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता अधिनियम, तो काफ़ी सारे धाराएं लगाई गई हैं। गुलरिया वाले की धारा मैंने आपको प्रारंभ में बता दी थी और ऐसे ही बाकी धाराएं भी लगाई गई हैं। भविष्य में इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि एक गिरोह है और ऐसे गिरोहों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।